गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। अभी फिलहाल सुबह के 6:10 हो रहे एंड मैं एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ। थोड़ा लेट हो चुका है। कल रात को जो है ना, मैंने सारे टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स एंड जो भी हमारे पेपर हुए हैं अभी प्रीलिम्स के, सब कुछ अलग अलग करके रख दिया है। मीन्स पढ़ाई करने को ईजी हो जाएगा। अगर मुझे कुछ भी चाहिए होगा ना तो जल्दी से मिल जाएगा। मतलब आज से मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, देखेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं एंड एक्सरसाइज करते हैं। बस 1 मंथ बचा है हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो तभी तक जितनी हो सकती है उतनी पढ़ाई करेंगे, कोशिश करेंगे, देखा जाएगा। तो अभी 7:15 हो रहे हैं, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। एक्सरसाइज हो चुकी है। एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आया, मतलब रनिंग की, पुलअप्स, डिप्स, जोर, सब कुछ, वो स्लाइडिंग सब कुछ किया, बहुत मज़ा आया। एंड अभी घर चलते हैं एंड रेडी होते। तो अभी एग्जैक्ट 8 बज रहे हैं एंड रेडी हो चुका हूँ मैं एकदम फ्रेश। अभी पढ़ाई को बैठने वाला हूँ, तो अभी आराम से बैठेंगे एंड पढ़ाई करेंगे। आई थिंक अभी खाना रेडी हो चुका है, तो मैं पहले खाना खाऊँगा एंड उसके बाद पढ़ाई को बैठेंगे। अभी 11 बजने आ रहे हैं एंड सुबह खाना खाया, उसके बाद मैं कुछ तो मुझे लिखना था वो लिखते बैठा था एंड तो 1 घंटा मोबाइल देखा। अभी पापा मम्मी हॉस्पिटल हो गए एंड अभी मैं पढ़ाई चालू करने वाला हूँ, मतलब पढ़ाई करने वाला हूँ। अभी 2:25 बज रहे हैं एंड अभी मैं रेडी हो चुका हूँ। 11 बजे में पढ़ाई को बैठने वाला था पर मिस हो गया, मुझे बहुत नींद आ रही थी। पढ़ाई को बैठा था मैं पर नींद आ रही थी, मेरा मन भी नहीं कर रहा था, तो सो गया मैं एंड 2:30 के आसपास नींद थी बहुत अच्छी। एंड एडिटिंग कर रहा था अभी सोने के बाद, शॉर्ट बना रहा था। फिर उसके बाद अभी भूख लगी मुझे, 2:30 बजने को आ रहे, तो खाना खाएंगे एंड फिर देखेंगे पढ़ाई करेंगे। सुबह से 1/2 आवर पढ़े हुई है बस एंड हमें 6 आवर पढ़ाई करनी है एंड हम करके रहेंगे, मैंने बोला है तो करूँगा। अभी शाम के 4:45 हो रहे एंड 3:00 से 4:00 तक मुझे प्राइवेट बातें लिखनी थी, तो लिखते बैठा था। वो होने के बाद जस्ट फिर पापा मम्मी आ गए एंड फिर गाड़ी साफ की, बाइक साफ की एंड पापा मम्मी अभी जो है फार्म को गए, फिर से हॉस्पिटल को गए थे ना मम्मी पापा, तो अंबिका दीदी को डिस्चार्ज दिया है, तो वो घर की तरफ लेके गए थे, मावशी के घर की तरफ। मैं अभी 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता, मतलब बहुत बोर हो रहा है अकेले पढ़ने में ना, मतलब बहुत बोर होता है एंड 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता मैं। तभी भी देखेंगे थोड़ी सी, तो जितना हो सके उतनी पढ़ाई करेंगे, बाकी का जान तो सब कुछ। ऐसा लगता है कि यार कोई तो साथ में रहता, तो उसके साथ बैठ के टाइम पास करते हुए पढ़ाई करता था मैं, पर अकेले में ना बहुत बोर होता है यार, मतलब बहुत। पापा ने ये 2020 बटर कुकीज बिस्किट लाए, ये अभी पानी के साथ खाएंगे। अभी 6:30 बज रहे हैं, मैंने बिस्किट खाया एंड बस बैठा था यहाँ पे, पढ़ाई कुछ की नहीं मैंने अभी तक, बस एक शॉर्ट निकाला है वो भी पढ़ाई करते हुए एंड मेरा जो नेट है ना वो खत्म हो गया, मतलब 4-5 बजे के आसपास ही 90% खत्म हो गया था एंड बस 50% बाकी वो भी पापा के लिए रखा है मैंने। सुबह यार अपलोडिंग की वजह से 250-250 MB सुबह ही चला गया एंड अभी बस मेरे पास 1 GB नेट, उससे ज़्यादा नेट नहीं है। 1 GB के अंदर अपलोडिंग सब कुछ, मतलब बहुत हार्ड होने वाला है अभी मुझे एंड अभी मैं पढ़ाई करूँगा फिर कुछ, तो मैं नेट तो नहीं है, मोबाइल नहीं देखने वाला एंड सुबह से भी ज़्यादा मोबाइल नहीं देखा मैंने, मतलब टाइम पास नहीं किया। तो आई थिंक सुबह से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 आवर मोबाइल देखा है, उससे ज़्यादा नहीं देखा आई थिंक। अभी मैं जो पढ़ाई करूँगा कुछ पता नहीं मुझे। अभी व्लॉग को एंड करते, मैं रात तक ज़्यादा कुछ करने भी नहीं वाला, घर में ही हूँ, टाइम निकालूंगा इससे कैसे पढ़ाई करते हुए, कुछ तो करते हुए टाइम निकालूंगा एंड फिर रात को एडिटिंग करके अपलोडिंग तो नहीं हो सकती, रात को सो जाऊंगा 10 बजे के अंदर। सी यू टुमारो, गुड नाइट, बाय बाय।
कल बहुत मजा आने वाला है क्योंकि कल हम जाने वाले हैं सुबह सुबह 8 बजे कॉलेज। वहाँ पे एक्सरसाइज कुछ तो है, मतलब पेपर फिजिकल का कुछ तो है, तो जाएंगे सुबह। बॉयज़ बस बॉयज़ आने वाले, गर्ल्स का कल है मतलब परसों है, तो हम जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा।